अभी की तो वही गाड़ी है, अभी गाड़ी वही है भाई। कि ऐसा तो नहीं कि ये फायरिंग तुमने करवाई है। दूल्हे फिशा और इसकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है ना दोनों की, ये दोनों जहाँ जहाँ देखो ज्यादा ही प्यार, यकीन माने वही वही देखने को जी चाहता। बस आके उसे बोल भी देती है उसके मुंह पे कि अच्छा ठीक है। वो कहती है कि ऐसा तो नहीं कि ये फायरिंग तुमने करवाई है, अगर आपको याद हो तो। कहती है अगर मैंने करवाई हो तो, और हाँ हो सकता है करवाई हो, तो इसने अपने मियाँ से क्यों नहीं ये बात शेयर करी, ऐसे जिक्र ही कर देती। वो जाके उसके बाप से पूछ रहा है मुझे मुझे आपको क्या लगता है कि किसने किसने कराई। और वो कहते मैं तो अब तुम्हारा जो हाफिज भी हूँ, हाफिज भी हूँ, तुम्हारा भी हूँ, जो मैंने पता क्या क्या बन गया हूँ मैं। तो मैं यूं करके ड्रामा देख रही थी, मुझे लगता है कहीं ओरिजिनल स्क्रिप्ट आता है, कहीं फिर अगेन वही किसी के हत्ते चढ़ जाता है ये स्क्रिप्ट, फिर थोड़ा सा ओरिजिनल की दो लाइन आती है, फिर किसी के हत्ते चढ़ जाता है ये अगेन। मुझे नहीं समझ आ रही कि शिब्रा सीएसएस करना चाह रही थी, शिब्रा क्यों नहीं करी। शिब्रा कर चुकी थी हाँ, मेरे हिसाब से तो कर चुकी थी। हाँ, मिठाई लेके आई थी, मिठाई लेकर आई थी। सीएसएस ओवर है, शी पास्ड हर नहीं नहीं, सीएसएस का एक एग्जाम होता है जो उसने पास कर दिया था, चेक मिला था, और वो जिसके पीछे सारा झगड़ा शुरू हुआ था, जो उसको इनाम मिलना था। खैर नहीं, इनाम तो किसी और चीज का था, सीएसएस उसने किया था, ये मुझे याद है। अच्छा भाई, सीएसएस 100% चलो हो सकता है दोबारा करना चाह रही हो बच्ची मेरी, कोई बात नहीं दोबारा करो। पर दूल्हे फिशा और इसकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है ना दोनों की, ये दोनों जहाँ जहाँ देखो ज्यादा ही प्यार, आप यकीन माने वही वही देखने को जी चाहता। बस ये दोनों हो तो देखने को जी चाहता। बट मुझे नहीं समझ आ रही, वो उसके बहनोई को, उसके बहन को निकलवा रहा है मुल्क से बाहर, अपनी बीवी को सिक्योर नहीं कर रहा। कहता है ना एपिसोड में कि तुम दोनों निकलो, सबसे पहले तो मैं वहां उसकी नौकरी का भी कर दूंगा, यहाँ मैं संभाल लूंगा, यहाँ मैंने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी सर। और अगला ही सीन दिखा रहे हैं, वहां के पूछते हैं शिब्रा कहाँ है, शिब्रा तो वहां गई है, आपने कैसे जाने, अब भी हमला हुआ है और सामने से इतनी कोई फजूल यारी। तो फिर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था रियली, कॉन्ट्रैक्टर अच्छा था, कम से कम उनको पता था हमने मारना है किसको है। वो फोन कह रहे नंबर बताओ, गाड़ी का नंबर क्या है, वो रेडियो 9411। अच्छा अभी की तो वही गाड़ी है, अभी गाड़ी वही है भाई यार, इनकी पूरी रेकी होती है। आप ही ये प्लीज, आप ही शो मालिक को जौन सा बंदा भेजा है, वो पिछली दफा रेस्टोरेंट में भी वही पिट के गया, सेम गाय सेम, इसकी शक्ल देख के कोई कहे कि ओ ओ बस कर दे यार, मतलब प्लीज। आई थिंक जिनकी डेट्स मिलती बुला लेती है इस दफा, आपके साथ तस्वीर लेंगे। अब जो सरा जो बच्ची है उसकी कोई, उसकी वो शिब्रा की दोस्त है, छोटी बहन की दोस्त भी नहीं है, वो उनके घर में बैठ के आपस में क्या वो करवा रही है बहन के साथ, और शिब्रा उसमें शिब्रा नहीं है, क्योंकि जो मिलता है उसका सीन हो जाता है, बस फीलिंग है। तो मैं पता अब इसके लिए आके नहीं, आके यूं हो चुकी हूं, यूं भी हूं, यूं भी हूं, यूं भी हूं, यूं भी हूं, क्यों कर रहे हो यार इतने अच्छे ड्रामे के साथ। बकायदा ना इसकी एफआईआर कटवानी चाहिए जाके इनके खिलाफ, के कर दिए ना उन्होंने उसके साथ वही खई कर दिया। हाँ रुबीना जी, पता ही नहीं चल रहा लिखा किसने क्योंकि जब शुरू हुआ था तो लग रहा था अब्दुल खालिक खान ने लिखा है, अब बीच में नहीं, अब सब लग रहा है कि एक च्युइंगम का सिरा आपने पकड़ा हुआ है, अब्दुल खालिक मिठाई वालों ने लिखा और एक मैंने पकड़ा हुआ, और हम जितनी दूर तक इस च्युइंगम को खींच सकते हैं ना बस खींचते चले जाए। तो ये और बीच में कोई टूट जाए तो नई च्युइंगम बीच में भी लगा, हाँ और ब्रांड के और फ्लेवर लग रही है ना। आप देखें हर जगह से ये गुड्डी वाला काम हो रहा है, गुड्डी फट गई चेपी लगा दी, फिर उड़ा लो, फिर गुड्डी फट गई चेपी लगा दी। तो ये ड्रामा सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि ये कपल हिट है, ये कपल की केमिस्ट्री हिट है, ये कपल जब जब स्क्रीन पर आ रहा है दिख रहा है, तो इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ा कि इसके अंदर बोला क्या जा रहा है, लिखा क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, वो सिर्फ देख रहे हैं। ये पहली दफा हिस्ट्री का ड्रामा होगा, टीवी की हिस्ट्री का, जो देखा जा रहा है, प्यारा ड्रामा है। आप कहा है मुझे नहीं पता, सॉरी फोर तालियां बजा के फोड़ दिए ये ड्रामा होता है पीटीवी का, टीवी का ड्रामा, देखने का ड्रामा है ये, वही ड्रामा जो देखा जा रहा है, सुनना ही नहीं जा रहा, सब कानों में रुइयां डाले बैठे हुए देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं, वाह वाह क्या ड्रामा। और वो काम अच्छा करता है, देखें डायरेक्शन आखिरी सीन की बहुत अच्छी डायरेक्शन काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन इन सारे एपिसोड में मुझे फारूक रेंदी नहीं नजर आ रहा, ये जो भी लास्ट की जितनी तो भी सारों से नजर नहीं, हाँ मतलब यही मैं कह रही हूँ, लास्ट जितनी भी जा रही है ना, शुरू में हमने इश्क मुर्शिद देखा, हमें उससे बाकी बड़ा प्यार भी हुआ और हमें अच्छा भी लगा,
सारे शॉट्स भी बड़े बेहतरीन थे। शुरू में भी मैं आप लोग के शो में आई थी तब भी मैंने कहा था मुझे यहाँ डायरेक्टर नहीं दिख रहा कि वो एक ही पार्क में उसकी क्या कहते हैं दाढ़ी भी बना रहा होता है, वो एक ही पार्क में घूम फिर भी रहे होते। मतलब आई एम सॉरी टू से डायरेक्टर का काम होता है कि लोकेशंस को चेंज करना, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना। तो आई एम सॉरी मुझे फारूक रेन इसमें नहीं दिख रहा। जहाँ कहीं दिखा था वहाँ मैंने तारीफ की थी, लेकिन लास्ट एपिसोड्स में, ये लास्ट तो पता नहीं कब आनी है लास्ट, लेकिन इन ये जो एपिसोड है इनमें तो बिल्कुल ही एज अ डायरेक्टर वो कह सकता है कि यार ये तो बड़ा बुरा लिखा हुआ है, ये जुमला नहीं जाना चाहिए था, या ये वो मुंह पे आके बोल रही है कि हमने मरवाया है, या वो जो बैठी भी कह रही है कि अच्छा बाहर कैसे जाएंगे, अब्बा को क्या पता चल, भाई तूने शादी करने से पहले उसके पास पैसे कहाँ से आए, क्या हुआ, ये सब कुछ अब्बा को तो पता नहीं चला, अब बाहर कैसे गए, कब तुमने वीज़ा डाला, कब तुमने अप्रोच करी, वो अब्बा की तुम्हें इतनी फिक्र पड़ गई, मतलब कुछ चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो मुझे एज इसमें डायरेक्टर तो आई एम सॉरी फारूक रेन, बहुत माजरत के साथ 4। देखिए उस बच्ची को जितना काम दिया जा रहा है, जो लिखा हुआ दिया जा रहा है, वो अपने हिसाब से सही कर रही है। वो अभी उस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है कि जहाँ वो किसी भी डायरेक्टर या राइटर के सामने खड़े होकर ये बोल सके कि यार ये आई एम सॉरी टू से मैं नहीं कर सकती। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो लिखा हुआ ही बोलेंगे, डायरेक्टर के सामने नहीं बात करेंगे, उनको लगता है हमारा अगला ड्रामा भी चला जाएगा, हमारा इस जो प्रोडक्शन हाउस है वो समझेगा कि हमारे बड़े नखरे, जबकि नखरे और चीज़ों में मेंशन कर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छे जगह पे बोलना बड़ा ज़रूरी होता है, जहाँ आप खुद कन्विंस नहीं हो रहे, एज एन आर्टिस्ट नहीं कह रही, आप देखने वाले सबसे पहले, मैं जब भी कोई स्क्रिप्ट पढ़ती थी मैं देखती थी अगर मैं इस ड्रामे को देख रही हूँ तो मुझे ये अच्छा लगेगा। तो आप जब अपना सीन पढ़ रहे हो तो एज अ व्यूअर तो चेक करो कि मुझे ये सीन कन्विंस कर रहा है तो ठीक है, वरना अपने डायरेक्टर से जरूर बात करो कि मुझे, क्योंकि मुझे उस दिन एक और हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत नामवर एक्ट्रेस हैं, वो मुझे एक बात कह रही थी, मैं उनका नाम दे लूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारे नए एक्ट्रेस हैं ये सेट पे जाके जितना ये शोर करते हैं ना, हमारे लिए अलग वैनिटी वैन हो, हमारे ये हो, हमारा फलानी चीज़ हो, हमारे खाना हो, अगर आपने फाइट करनी है तो स्क्रिप्ट पे फाइट करें, अपने सीन पे, जिस दिन आपने फाइट करना शुरू कर दी ना कि नहीं ये सीन में समझ नहीं आ रहा इसको चेंज करें, वो एफर्ट आप इसमें लगाएं रादर देन कि मेरी वो चीज नहीं है, उसका मेकअप आर्टिस्ट ऐसा क्यों, अपनी लग्जरी पे ये दिखाने के लिए कि मैं उससे बड़ी हूँ या इससे बड़ा हूँ, प्लीज नहीं बड़ा, क्योंकि आपको आपकी स्क्रीन बना रही है, वही फाइट इस वक्त डायरेक्टर के साथ बैठ के स्क्रिप्ट पे करें और एक आपस में एक मुबाहिसा करें, एंड शी इज द लकीएस्ट वन के इसके साथ हीरो ये कपल हिट हो गया, ये गाना हिट हो गया। अगर खुदा ना खासा ये गाना हिट ना होता, ये कपल ना हिट होता, ये इनकी केमिस्ट्री ना होती, ये उड़ चुका था ड्रामा, और ये बहुत बुरा फ्लॉप होते। ये जितने इस वक्त कमर्शल्स कर रही थी ये सारे कमर्शल्स के हाथ से जाते, ये सब कुछ आपको इसलिए मिला क्योंकि आपका ये कपल हिट हुआ है, क्योंकि आपका ये गाना हिट हुआ है, वरना इस ड्रामे में कुछ नहीं बचा, ना इस ड्रामे ने कुछ काम किया है। इसके एक्सप्रेशन की बात करें बहुत कमाल, बहुत प्यारे, जहाँ जहाँ इसको मौका मिला ये अपने एक्सप्रेशन से काम लेती है, लेकिन कुछ जगहें हैं जहाँ यार आपको बोलना पड़ेगा दुर्फिशा कि ये मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं करूँगी, इससे मैं ही कन्विंस नहीं हो रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आके नंबर कटने चाहिए, कामयाबी ने कन्विंस कर लिया हुआ है। हाँ, उनको कामयाबी उनको लगा जो भी फॉर्मूला है हम जो भी कर लेंगे, हम जो भी करेंगे हम आए खड़े हो जाएंगे, जैसे रुबीना जी कहते हैं दोनों को खड़ा कर दो गाना चला दो लोग ड्रामा देखेंगे, वो आप मैं कह रही हूँ इन दोनों की तस्वीरें लगा दें और गाना चला दें लग जाएंगे। ये जरूर क्रेडिट दूंगा दुर्फिशा और बिलाल को भी कि उन्होंने एक सम और बाकी जितने फ्लॉज हैं स्क्रिप्ट को हटा के वो जब सामने मौजूद होते हैं exactly मैंने भी यही अच्छा लगता है, वो जैसे देखें दूसरे को और जो नोक झोक होती है छोटी सी वो पहले से मना करती है, और ये तीन चार और खाने वाले सीन में देखें ना फजल बख्श बन जाता है, वो कहती नहीं तुम्हारी शामिल साहब का खाना रेडी है, कहता है अच्छा उनका खाना रेडी है तो जल्दी से दे दे, समझ रहे वो छोटी छोटी चीजें बड़ी प्यारी क्यूटनेस की, वो भी मजे की बनाई हुई है जो जो के लैक कर रहे थे बंस रोड के रोमियो जूलियट में, इस तरह की छोटी रोमांस रोमांस वहां पे आना चाहिए। अब इसे वो कहता है कि मैंने जाना है, वो कहती है नहीं तुम नहीं अभी जाओ, नहीं जाओ, फिर कहता अच्छा मैं नहीं जाता, कहते चले जाओ। ये लास्ट एपिसोड में भी एक सीन ऐसा बना था, उससे पिछले एपिसोड में भी एक सीन ऐसा बनाया था, लेकिन क्यूट लगता है आपको देख के, क्यूट लगता है ना, ये इस पे प्यार आता है, तो अगेन वो प्यारी है, शक्ल की भी प्यारी है और इसमें प्यारी लग रही है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट बहुत भी खींच के दूं तो 6 से ज्यादा नहीं जा पाऊंगी, ये बहुत दिल बड़ा करके दे रही हूँ वरना नहीं जा रहा। अगेन वही वाली बात है,
जो मैंने दुर्रे फेशा के लिए बात कही मैं बिलाल अब्बास के लिए, क्योंकि मैंने उसका चीख ड्रामा भी देखा हुआ है, मैंने उसका काम देखा हुआ है। एक जैसा काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, देखिए बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपने अभी देवदास देखा होगा, उसकी लास्ट एपिसोड भी देखी होगी, अगर हर ड्रामे में आपने सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन देना है ना, तो नहीं करें यार। मतलब बीबी को गोली लग रही है तो भी आप यूँ बैठ के सिर्फ यूँ देख रहे हैं। अच्छा नीचे कोई माँ बाप के साथ जब टेंस माहौल में बात हो रही है और बाप के साथ हो रही है, उसमें भी आप सिर्फ यूँ देख रहे हैं यार। कोई वेरिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि सिवाय जब दुर्रे का और इसका सीन आता है तो उसमें मुझे कुछ मुस्कुराहट, कुछ कहीं कुछ और चीज़ नज़र आ जाती है, आँख में चमक नज़र आ जाती है, वरना उसके अलावा मुझे इसकी एक्टिंग ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी जो मैं कहूँ वाओ। वहाज का जैसे चलना था तुम बिन में, तेरे बिन में रजिस्टर्ड हुआ था क्या वो शॉल लेके चलता है, मतलब उसकी वॉक, उसका उठना बैठना रजिस्टर्ड करवाया था उसने कि मैं कुछ हूँ। यहाँ शामिर मुझे रजिस्टर्ड नहीं हुआ, फजल बख्श रजिस्टर्ड हो गया था। तो फजल बख्श मुझसे बहुत अच्छा हजम हुआ, मुझे वो बहुत क्यूट लगता था। शामिर मुझे नहीं दिख रहा, सो आई एम सॉरी टू से, आपके बहुत फैन फॉलोअर्स हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन अगर मैं एक्टिंग देखती हूँ तो मुझे 5 से ज़्यादा नंबर नज़र नहीं आ रहे, मैंने दुर्रे से कम नंबर दिए।